बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी से मैं भाई सौरभ नीरज सर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम बताए थे कल नोटिस के बारे में, तो उसका अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन अब नोटिस वहां से जैसे CSPC के अधिकारियों द्वारा वो आज या कल डाल दिया जाएगा। जो डेट हम बताए थे कि 24 को क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो 24 को तो एग्ज़ाम होगा नहीं, लेकिन 1 को 7 को और 15 को यानी कि 37 जिला में आपका एग्ज़ाम होगा। और रही बात कि आपको एक जिला मात्र छोड़ के, गया छोड़ के, हर एक जिला में एग्ज़ाम है, और सुबह में उसका एग्ज़ाम है आपको 7-1 तारीख को है, तो जिसमें आपको सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग है, 8 बजे रिपोर्टिंग है, एग्ज़ाम होगा आपका 10 बजे से। तो 2 घंटा पहले बुलाया जा रहा है आप सभी को, ये ख्याल में रखते हुए कि क्वेश्चन वायरल ना हो, और इसलिए आप सभी पूरी तरह से अपने तैयारी में लग जाइए। जो डेट हम लोग बताए थे कोई फॉल्स वगैरह नहीं बोलते हैं, और सबसे पहले सटीक जानकारी जो भी हमको पता चला आप सभी के अपने माध्यम से दे रहे हैं कि आप सभी के प्रति साझा कर रहे हैं, जिससे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कल के नोटिस में। आप सभी को ये जो हम दिखा रहे हैं आप सभी को, ये पूरा हमारे पास आया हुआ है, और इसी के थ्रू हम बहुत सारे लोग अभी डालेंगे सुबह में, लेकिन हमको जब पता चला तो मैं आप सभी के बीच समक्ष रखा। और ये बात सही है कि जो मैं बताया था कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, कि नोटिस आ जाएगा कल आएगा, आखिर नोटिस आ ही गया, और आप सभी का जो इतना जिस दिन से इंतज़ार का जो घड़ी था वो इंतज़ार का घड़ी अब खत्म हो चुका है। और रही बात कि आपका 20 दिन में क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, उसके प्रति आपको अब जागरूक होना है, और उसके बाद आपको फिजिकल पे, जिनका अगर 100% रिजल्ट हमेशा होते आ रहा है वो फिजिकल पर कंटिन्यूटी बनाए रखें, और जिनका अभी इन पढ़ाई में पूरी तरह से संलिप्तता है वो पढ़ाई करते रहें, आप सभी का रिजल्ट बेहतर होगा। और यही हम आशीर्वाद दें कि जितने भी साथी हमारे हैं 21,391 में, वो सभी का रिजल्ट बेहतर हो। और बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें, क्योंकि जो भी वैकेंसी का नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आप सभी का प्रति साझा करूंगा और उसे उजागर करूंगा उसमें क्या क्या खंडित किया है। बाकी अभी मैं दोपहर लमसम 3 बज चुका है, 3 बजे मैं गांधी मैदान आया तो देखा ये नोटिस आया हुआ था, तो फिर मैं आप सभी को उसी जो नोटिस में दिया था वो सब कुछ मैं बताया। बस अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कोई टाइमर टाइमर कुछ लेकर ब्लूटूथ लेकर नहीं जाना है, आप सभी सतर्क रहिए और पढ़ाई पर पूरी तरह से संलिप्तता बनाए रहिए, आप सभी का रिजल्ट होगा। जय हिंद।